Hello friends, welcome to all. Today our another lecture on symmetrical fault calculation. हमारा जो previous lecture था उस lecture में हमने symmetrical fault के बारे में जाना था और हमें मालूम है कि symmetrical fault calculation करनी है मतलब हमें triple line fault और triple line to ground fault के बारे में हमें calculation करनी है और symmetrical fault जो है वो उस fault के कारण हमारा तो वो एक्चुअल में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, यानी हम यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट और शॉर्ट सर्किट एमवीए की कैलकुलेशन करेंगे। उस शॉर्ट सर्किट एमवीए और शॉर्ट सर्किट करंट के कैलकुलेशन के जो भी फॉर्मूला थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब किए थे और उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी हमने वहाँ पर लिया था। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे वो फॉर्मूला, फिर बाद में जो है वो एक एग्जाम्पल करेंगे। जो प्रीवियस एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल में हमें फॉल्ट करंट और शॉर्ट सर्किट करंट जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी, उसके लिए हमने अल्टरनेटिव टू इक्वेशन जो है वो लिए थे और दोनों अल्टरनेटिव मेथड से हमने फॉल्ट करंट की और फॉल्ट एमवीए की वैल्यू फाइंड की थी। यहाँ पर अब हम एक ही मेथड, कोई भी एक ही मेथड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर नया क्या होगा कि पहले जो एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल में हमें जो वैल्यू है फॉल्ट करंट फाइंड करने के लिए जो भी वैल्यू हमें चाहिए थी वो डायरेक्टली हमारे पास थी और जो रिएक्टेंस की वैल्यू है वो डायरेक्टली हमारे पास थी। लेकिन यहाँ पर हम हमें जो हमने बात की थी पहले, जब हमारा आज से पहले का जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने बात की थी कि जो हमें फॉल्ट करंट फाइंड करना है तो फॉल्ट करंट के लिए हमें क्या चाहिए, शॉर्ट सर्किट करंट, और ये शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करने के लिए हमें रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और रिएक्टेंस की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उस वो हम रिएक्टेंस डायग्राम से फाइंड करेंगे। तो रिएक्टेंस डायग्राम जो है वो हम सिंगल लाइन डायग्राम से बनाएंगे। तो वो सब जो था वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया था। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ये फॉर्मूला सब देख लेते हैं, फिर बाद में जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। उस एग्जाम्पल में एक सिंगल लाइन डायग्राम होगा, उस सिंगल लाइन डायग्राम से हम रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे और रिएक्टेंस डायग्राम से हम रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे और उससे हम फॉल्ट करंट और फॉल्ट एमवीए फाइंड करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला था जो परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए, यानी कि बेस केवीए पर हमें परसेंटेज रिएक्टेंस फाइंड करना है। तो ये रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है बेस केवीए अपॉन रेटेड केवीए इंटू परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड केवीए, यानी कि जो हमारा एग्जाम्पल होगा जो भी हमें दिया गया है डेटा, उस डेटा में जो सिंगल लाइन डायग्राम होगा उसमें हमें रेटेड केवीए की वैल्यू दी गई होगी और रेटेड रिएक्टेंस की वैल्यू दी गई होगी। वो दोनों जो वैल्यू है उस वैल्यू और जो हमारा बेस केवीए है उसका यूज करके हमें परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए फाइंड करना होगा। वो हम सभी जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हो गए वो सभी एलिमेंट्स के लिए हम फाइंड करेंगे। ये उसी तरह का होगा जिस तरह हमें जो बेस चेंज ऑफ बेस का एग्जांपल हमने पहले किया था उसमें क्या था, उसमें यहाँ पर हम बेस केवीए अपॉन रेटेड केवीए इंटू बेस के इंटू न्यू अपॉन ओल्ड केवी स्क्वायर ले रहे थे। वो हमारा बेस वैल्यू फाइंड करने के लिए था, नई बेस वैल्यू में रिएक्टेंस, यहाँ पर हम परसेंटेज रिएक्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला से हम सभी एलिमेंट्स के रिएक्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब जब हमारे पास रिएक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास जो फॉल्ट वोल्टेज होगा यानी प्री फॉल्ट वोल्टेज, यानी फॉल्ट जो है उसके पहले का जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास होगी या दी गई होगी वो वैल्यू वोल्टेज की। ज़्यादातर केस में हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है वो हम 1 PU में, ये PU में लेते हैं तो 1 PU कंसीडर कर लेंगे अगर नहीं दी गई हो तो। तो ज़्यादातर केसेस में तो नहीं दी गई होगी तो हम ये जो वैल्यू है प्री फॉल्ट वोल्टेज इन PU उसको हम 1 PU कंसीडर कर लेंगे। फिर इस इक्वेशन से जो रिएक्टेंस मिला है वो तो सभी एलिमेंट का होगा, तो जो भी एलिमेंट्स का रिएक्टेंस मिला है उसमें से फॉल्ट तक का हम रिएक्टेंस फाइंड करेंगे और वो रिएक्टेंस यहाँ पर ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, हमें शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो मिल जाएगा पर यूनिट में। अब हमें
सपोज जो है ये पर यूनिट में मिला है शॉर्ट सर्किट करंट, हमें अगर एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है शॉर्ट सर्किट करंट की, तो हमें मालूम है पर यूनिट वैल्यू बराबर क्या है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन रेटेड वैल्यू। तो जो भी हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एक्चुअल वैल्यू, यानी एक्चुअल वैल्यू बराबर पर यूनिट वैल्यू इंटू बेस वैल्यू। सो एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू इंटू बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू करंट की फाइंड करनी होगी, बेस वैल्यू फाइंड करने के लिए बेस एमवीए और बेस केवी लेना पड़ेगा। तो हम बेस एमवीए और बेस केवी से हम जो है वो करंट, बेस करंट फाइंड कर लेंगे। अब ये जो बेस करंट हमें मिल गया है, उस बेस करंट और जो पर यूनिट वैल्यू मिली है उससे एक्चुअल करंट फाइंड कर सकते हैं। अब हमें एक्चुअल जो फॉल्ट अपेरेंट पावर है उसकी वैल्यू, यानी कि जो फॉल्टेड एमवीए है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फॉल्टेड एमवीए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट करंट लेंगे और प्री फॉल्ट हमारा जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू लेंगे। तो ये भी वैल्यू हमें मालूम है कि वो 1 PU होगी, यानी कि जो भी हमें शॉर्ट सर्किट PU की वैल्यू मिलेगी उसके हिसाब से हम अपेरेंट पावर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अपेरेंट पावर की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो ये सब जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे हम अगले एग्जाम्पल के अंदर। तो अब ये एग्जाम्पल क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सिमेट्रिकल थ्री फेज शॉर्ट सर्किट अकर्स ऑन द 22 kV बस बार्स ऑफ द सर्किट शोन एज वन लाइन डायग्राम इन फिगर, कैलकुलेट द फॉल्ट करंट एंड द फॉल्ट अपेरेंट पावर। तो यहाँ पर हमें जो है वो एक सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट जो है फॉल्ट, जो यहाँ पर हमारा लोड है वहाँ पर एक फॉल्ट जो है वो दिया गया है। यहाँ पर फॉल्ट होने के कारण जो भी हमारा फॉल्ट करंट प्रोड्यूस होगा, यानी कि जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वैल्यू और जो अपेरेंट पावर है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो सिंगल लाइन डायग्राम है उसमें हमें एक जनरेटर दिया गया है, जनरेटर के जो एमवीए है वो 25 MVA है और जो रिएक्टेंस है वो 0.15 PU है। और ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो 30 MVA का है और 11/132 kV का है। दूसरा ट्रांसफॉर्मर जो है वो भी 132 kV/22 kV का है और 5 MVA है और रिएक्टेंस जो है वो 0.02 PU है। और जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 100 MVA है और जो रिएक्टेंस है वो 0.92 PU है। यानी यहाँ पर जो है वो हमें 22 kV बस बार दिया गया है लोड, यहाँ पर मतलब कि जो फॉल्ट है वहाँ पर हमें वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू 22 kV है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले तो कि जो जनरेटर है उसके जो वोल्टेज है वो जनरेटर के वोल्टेज जो है वो हमारे पास नहीं है। तो उसके वोल्टेज जो है हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर के वोल्टेज है 11 kV/132 kV, यानी जनरेटर के वोल्टेज होंगे 11 kV। ट्रांसफॉर्मर जो है ट्रांसमिशन लाइन का जो पार्ट है वहाँ पर 132 kV और जो लोड है वो 22 kV का है। यानी कि जब हम अब हम बेस जो हमारा परसेंटेज रिएक्टेंस है वो परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तब हम जो है वो जनरेटर जो है उसके लिए जो बेस केवी है उसकी वैल्यू जो हमारी होगी वो 11 kV होगी। जो ये पार्ट हमारा जो होगा सेकंड पार्ट उसके लिए जो हमारा बेस केवी होगा वो 132 kV होगा और लोड के लिए जो होगा वो 22 kV होगा। यानी जनरेटर के लिए 11 kV, बेस केवी इसके लिए 132 kV और 22 kV। यानी कि जब हम अब हम परसेंटेज रिएक्टेंस की बात करेंगे तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना था कि परसेंटेज रिएक्टेंस फाइंड करने के लिए बेस एमवीए अपॉन रेटेड एमवीए इनटू अवर रिएक्टेंस। तो जो भी एमवीए है सपोज यहाँ पर 25 MVA जो है वो हमारा रेटेड एमवीए है। अब हम जो है वो कोई भी आर्बिट्री वैल्यू जो है वो बेस ले लेंगे, उसको बेस लेने के बाद जो भी वैल्यू जो है वो हम उसके हिसाब से हम रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, पहले हम जो है वो बेस एमवीए जो है वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो है वैल्यू हमारे
जो भी वैल्यू है उसी तरह हमें जो है जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 100 MVA की है, बाकी जो है सभी 5 MVA, 3 MVA और 25 MVA है। तो हम जो 100 MVA है वो बेस ले लेंगे, तो हमारे पास बेस जो है वो 100 MVA आ जाएगा। अब हमने बेस जो है वो डिफाइन कर लिया MVA। अब बेस MVA डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट हमारे एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स के लिए हम रिएक्टेंस की वैल्यू डिफाइन करेंगे। अब रिएक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद जो फॉल्ट है यानी कि फॉल्ट पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ तक है, तो उस फॉल्ट पॉइंट तक हमें क्या करना होगा, उस फॉल्ट पॉइंट तक के रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो हम रिएक्टेंस डायग्राम लेंगे और रिएक्टेंस डायग्राम में फॉल्ट पॉइंट तक की जो रिएक्टेंस की वैल्यू है वो सभी रिएक्टेंस की इक्विवेलेंट रिएक्टेंस फाइंड करेंगे। और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस फाइंड करने के बाद हम फॉल्ट करंट और अपेरेंट पावर फाइंड कर सकते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो हमारा सभी एलिमेंट के हम रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे, उसके लिए हम बेस वैल्यू चूज करेंगे, जनरेटर मोटर और जो है वो ट्रांसफॉर्मर सभी के लिए। तो पहले हम बेस वैल्यू चूज करेंगे फिर रिएक्टेंस जो है वो फाइंड करते हैं। अब जो बेस MVA है वो हम 100 MVA जो है वो ले लेते हैं, यानी 100 MVA हमारा बेस हो गया। अब जनरेटर जो है, जनरेटर साइड का जो हमारा बेस KV है वो बेस KV हो जाएगा हमारा 11 KV। जो ट्रांसफॉर्मर है या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए 20 KV हो जाएगा ₹132, और जो हमारा लोड है उसके लिए 20 KV हो जाएगा ₹22। यानी सभी के जो बेस वैल्यू है वो रेटेड वैल्यू है जो हम हमारे पास है उसी को हम बेस यहाँ पर ले लेते हैं। इसके कारण क्या होगा कि जो भी हमारे रिएक्टेंस की वैल्यू है वो हम जो हमारा प्रीवियस फॉर्मूला था अभी हमने डिस्क्राइब किया था उससे रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो हम जनरेटर के लिए फाइंड करेंगे, यानी पर यूनिट रिएक्टेंस फॉर जनरेटर। अब पर यूनिट रिएक्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था बेस KVA बेस MVA अपॉन रेटेड MVA इनटू और रिएक्टेंस। सो बेस MVA जो है उसकी वैल्यू हम कितनी है, हमने चूज किए 100। जो जनरेटर है उसके रेटेड MVA जो है वो है 25 और जनरेटर के रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो है 0.15। यानी कि हमें पर यूनिट वैल्यू रिएक्टेंस की मिलेगी 0.6 PU फॉर जनरेटर। तो अब हमें पहले जनरेटर के लिए हमें वैल्यू मिल गई है 0.6 PU। अब जो है हम ट्रांसफॉर्मर 1 के लिए रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, पर यूनिट रिएक्टेंस फॉर ट्रांसफॉर्मर 1। तो उसमें भी बेस जो है वो MVA बेस अपॉन MVA रेटेड इनटू पर यूनिट रिएक्टेंस। तो MVA बेस जो है वो 100, जो रेटेड MVA है वो 30 इनटू जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू है 0.09। यानी कि हमें पर यूनिट रिएक्टेंस की वैल्यू मिलेगी 0.3 PU। अब जो है वो हम ट्रांसफॉर्मर 2 के लिए पर यूनिट रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो पर यूनिट रिएक्टेंस फॉर ट्रांसफॉर्मर 2, तो उसके लिए भी हमारा जो है वो MVA बेस अपॉन MVA रेटेड इनटू रिएक्टेंस।
MVA बेस जो है वो हमारा 100 है, जो MVA रेटेड है ट्रांसफॉर्मर 2 के लिए वो है 5, और इंटू रिएक्टेंस उसकी वैल्यू है 0.02, यानी हमारा जो पर यूनिट रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0.4 PU। तो अब हमें ट्रांसफॉर्मर 2 के लिए वैल्यू मिल गई है। अब जो है पर यूनिट रिएक्टेंस हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए फाइंड करेंगे। सो ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो पर यूनिट की रिएक्टेंस की वैल्यू है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 100 MVA के लिए ही ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो उसकी वैल्यू अगर हम फाइंड भी करते हैं तो क्या होगा, बेस MVA अपॉन रेटेड MVA इनटू एक्स ट्रांसमिशन लाइन के लिए। अब बेस भी 100 है और रेटेड भी 100 है, तो रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो 0.092 है, यानी हमें 0.092 ही मिलेगी। तो ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू हम एज इट इज़ जो है वही ले लेंगे। तो ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू भी हमारे पास रिएक्टेंस की मिल गई है। अब जो है हम रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे। तो सिंगल लाइन डायग्राम जो हमारा था वो सिंगल लाइन डायग्राम हमारा ऐसा था कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर था, यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पर दूसरा ट्रांसफॉर्मर और यहाँ पर लोड था, और जो लोड है वहाँ पर फॉल्ट हुआ है। ये हमारा लोड था और यहाँ पर फॉल्ट हुआ है। इस पॉइंट पर फॉल्ट जो है वो हुआ है, मतलब कि जो लोड का पार्ट है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी पॉइंट पर हमारे रिएक्टेंस जो है वो उसकी वैल्यू हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। तो हमें मालूम है कि जो सिंगल लाइन डायग्राम है उससे रिएक्टेंस डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो पहले हमारा जनरेटर है, तो जनरेटर के जो वोल्ट जो हमारे जनरेटर है उसके वोल्टेज प्री फॉल्ट के, तो वो तो हम 1 PU कंसिडर करेंगे, अज्यूम कर लेंगे। उसके साथ साथ जो है वो जनरेटर का रिएक्टेंस, तो वो हमने फाइंड किया वो था 0.6 PU। फिर ट्रांसफॉर्मर का रिएक्टेंस, तो पहले ट्रांसफॉर्मर का रिएक्टेंस है वो 0.3 PU। फिर जो है ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस, सो ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है वो 0.092 PU। और ट्रांसफॉर्मर 2 का रिएक्टेंस, ट्रांसफॉर्मर 2 का रिएक्टेंस है 0.4 PU, और यहाँ पर जो है वो फॉल्ट हुआ है, और यहाँ पर लोड होगा तो लोड तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो उसका मतलब हमें फॉल्ट का ही रिएक्टेंस कंसिडर करना है। अब ये सभी रिएक्टेंस जो है वो सीरीज में है, मतलब अब हमें रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इक्विवेलेंट रिएक्टेंस फाइंड करना है, यानी ये सभी रिएक्टेंस जो है उसका हम सम ले लेंगे। सो टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस अप टू द फॉल्ट, टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस अप टू द फॉल्ट, फॉल्ट तक का हमारा टोटल रिएक्टेंस होगा 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.092 प्लस 0.4। तो हमें वैल्यू मिलेगी टोटल रिएक्टेंस की 1.392 PU, 1.392 PU। तो ये जो है हमें टोटल रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो फॉल्ट तक की मिल गई है। अब हमारे पास रिएक्टेंस की वैल्यू है, अब हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो फाइंड करना है। तो अब शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, हमने दो तरह के मेथड जो है वो डिफाइन किए थे। अब यहाँ पर हम एक ही मेथड का यूज़ करेंगे, वो कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, यानी आई शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट पर यूनिट में फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारा प्री फॉल्ट वोल्टेज, डिफॉल्ट वोल्टेज इन पर यूनिट अपॉन पर यूनिट अपॉन पर यूनिट रिएक्टेंस इक्विवेलेंट, यानी जो हमने टोटल रिएक्टेंस फाइंड किया उसकी वैल्यू। अब प्रीफॉल्ट जो पर वोल्टेज है उसकी वैल्यू हम 1 ले लेंगे, जब हमारे पास जो अगर वोल्टेज की वैल्यू नहीं दी गई होगी तो हम वो जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू 1 कंसिडर कर लेंगे। सो प्री फॉल्ट पर यूनिट वैल्यू जो है वो हम 1 PU कंसिडर करेंगे। अब एक्स इक्विवेलेंट जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी वो कितनी थी, 1.3
392। तो इसका जो है वो एंगल जो है वो जीरो एंगल होगा, रेफरेंस हमें एज्यूम किया है, और ये जो है वो रिएक्टेंस वैल्यू है यानी 90 एंगल पर होगी। तो हमें वैल्यू मिलेगी शॉर्ट सर्किट करंट की 0.7184 माइनस 90। 90 ऊपर जाएगा तो 0 माइनस 90 होगा यानी माइनस 90। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट सर्किट करंट जो है उसकी पर यूनिट वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली है। अब हमें जो है वो ये फॉल्ट करंट की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो फॉल्ट करंट की वैल्यू किस में है, पर यूनिट में है। हमें क्या फाइंड करना है, एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है पर यूनिट में से, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है पर यूनिट का, पर यूनिट यानी एक्चुअल अपॉन बेस। मतलब कि हमें जो एक्चुअल फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, एक्चुअल यानी पर यूनिट इनटू बेस। तो पर यूनिट वैल्यू तो हमने फाइंड की, अब हम बेस करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बेस करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारा बेस एमवीए इनटू 1000 अपॉन बेस केवीए अपॉन बेस केवी इनटू रूट 3। अब बेस एमवीए जो था वो हमारा कितना था 100 और इनटू 1000। अब बेस केवी फोल्ट पर जो है वो कहाँ पर है, हमारा लोड के पास, और वहाँ का जो वोल्टेज है बेस केवीए का हमने कितना था 22 केवी इनटू रूट 3। तो हमें बेस करंट की वैल्यू मिलेगी 2624 एम्पियर। सो 2624 एम्पियर जो है वो हमें बेस करंट की वैल्यू जो है वो मिलेगी। अब हमारे पास बेस करंट की वैल्यू है, पावर यूनिट की वैल्यू तो पहले ही फाइंड कर ली थी, तो अब एक्चुअल वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, शॉर्ट सर्किट करंट एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट पर यूनिट वैल्यू इनटू शॉर्ट सर्किट करंट बेस वैल्यू। अब शॉर्ट सर्किट करंट की पर यूनिट वैल्यू जो थी वो 0.718 इनटू बेस करंट की वैल्यू थी वो 2624। तो हमें फोल्ड करंट की एक्चुअल वैल्यू मिलेगी 1884 एम्पियर। तो अब शॉर्ट सर्किट करंट की एक्चुअल वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक तो फोल्ड करंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। अब दूसरा हमें जो है वो फोल्ड अपेरेंट पावर फाइंड करना है। अब फोल्ड अपेरेंट पावर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है फोल्ट अपेरेंट पावर इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट इन पीयू इनटू प्री फोल्ट वोल्टेज इन पीयू। तो फोल्ट एमवीए फाइंड करने के लिए शॉर्ट सर्किट करंट इन पीयू इनटू प्री फोल्ट वोल्टेज इन पीयू। तो शॉर्ट सर्किट करंट इन पर यूनिट क्या है 0.7184 इनटू प्री फोल्ड वोल्टेज। तो प्री फोल्ड वोल्टेज जो है वो हमने अज्यूम किया है वो कितना है 1 PU। तो 0. हमें फोल्ड अपेरेंट पावर की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 0.7184 PU। अब हमें ये फोल्ड अपेरेंट पावर की वैल्यू मिली है वो किस में मिली है, पर यूनिट में। अब क्या करना है हमें, उसकी भी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए सेम इक्वेशन रहेगा, जो पर यूनिट बराबर एक्चुअल अपॉन बेस वैल्यू। यानी हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो एक्चुअल बराबर पर यूनिट इनटू बेस वैल्यू किसी की भी हो। तो पर यूनिट वैल्यू जो है वो हमने अभी निकाली अपेरेंट पावर की, वो कितनी थी 0.7184, और बेस वैल्यू तो हमने पहले ही बेस जो है वो कंसीडर किया है, वो कितना बेस है 100। तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगी
71.84 MVA, ये हमारे एक्चुअल जो अपेरेंट पावर है उसकी वैल्यू हमें मिल गई है। तो यहाँ तक हमने जो जो एग्जांपल किया वो एग्जांपल जो है उसमें क्या था, पहले हमारे पास सिंगल लाइन डायग्राम था, उस सिंगल लाइन डायग्राम में हमें जनरेटर ट्रांसफार्मर सभी के पर यूनिट वैल्यू रिएक्टेंस दिए गए थे और सभी के जो है वो रेटेड एमवीए और रेटेड केवीए की वैल्यू हमारे पास थी। अब हमें क्या करना है कि जो जो भी हमारी सर्किट थी उस सर्किट में हमारा जो लोड था वहाँ पर फॉल्ट था, तो वो पॉइंट हमारा फॉल्ट पॉइंट हुआ। उस पॉइंट पर हमें शॉर्ट सर्किट करंट और फॉल्ट एमवीए की वैल्यू फाइंड करनी थी। उसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सभी के रिएक्टेंस निकालने होंगे। तो हमने क्या किया, सिंगल लाइन डायग्राम से रिएक्टेंस डायग्राम बनाया, रिएक्टेंस डायग्राम में से सभी की रिएक्टेंस की वैल्यू ली, उस सभी को ऐड करके हमें क्या मिला, टोटल रिएक्टेंस, उससे हमने शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड किया और शॉर्ट सर्किट करंट से हमें जो शॉर्ट सर्किट एमवी है उसकी वैल्यू हमें मिल गई। थैंक यू।